जबकि महायुति के दलों में सीटों का बंटवारा हो चुका है और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं शिवसेना उधर गुट 95 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद अब भी बरकरार है। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड का दावा है कि 95% सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीटों को लेकर गतिरोध जारी है। 95% of the seats have been discussed and cleared. There are 3-4 seats where there is a tie. So probably our presidents will meet today and settle it out. महाविकास आघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रही इस खींचतान ने चुनावी तैयारी को धीमा कर दिया है। जबकि महायुक्ति के दलों में सीटों का बंटवारा हो चुका है और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। महाविकास आघाड़ी अभी भी कुछ सीटों पर अटकी हुई है। दरियापुर, चंद्रपुर, मुंबई की बायखला और वारसवा, बुलढाणा और विदर्भ की कुछ महत्वपूर्ण सीटें महाविकास आघाड़ी में विवाद का कारण बनी हुई है। शिवसेना उद्धव गुट का दावा है कि ये सीटें उनकी परंपरागत सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार यहां उनकी स्थिति मजबूत थी, इसलिए वे इन सीटों पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन विदर्भ की सीटों को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। महायुति में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने सीटों के बंटवारे पर सहमति बना ली है और अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। महायुति ने महाराष्ट्र की प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर ली है और अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने वाला है। वहीं कांग्रेस ने अपनी ओर से लगभग 105 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही अपने 50 उम्मीदवारों को पहली सूची उसकी जारी कर सकती है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट 95 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, जबकि शरद पवार गुट 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि इन सबके बीच अब तक आघाड़ी के अंदर सीटों का अंतिम बंटवारा नहीं हो पाया है। महाविकास आघाड़ी के अंदर खींचतान के चलते समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है। आगे सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, जिसमें नंदुरबार, तुलजापुर, अकोला, अणु शक्तिनगर जैसी सीटें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी फिलहाल गठबंधन का इंतजार कर रही है, लेकिन सीटों के आवंटन में देरी के कारण पार्टी अपनी अलग रणनीति बना सकती है। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के शीर्ष नेता शामिल हैं, लेकिन विदर्भ और कुछ प्रमुख सीटों को लेकर विवाद का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली में भी कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के बीच तनाव बढ़ने के बाद कांग्रेस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बनी सहमति में कांग्रेस के नाना पटोले, उद्धव गुट के संजय राउत के बीच विवाद बढ़ गया है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अगर नाना पटोले चर्चा में रहेंगे तो इसमें हम शामिल नहीं होंगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीटों का विवाद अभी भी कायम है। क्या ये गठबंधन चुनाव से पहले संकट को सुलझा पाएगा या फिर सीटों का बंटवारा उनके रणनीति पर भारी पड़ेगा? आने वाले कुछ दिनों में सब पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।